अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब आने वालों के लिए सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से एक नया नियम लागू किया है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और भी आपसे बातें करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से हमारा ही यूट्यूब चैनल पर आपको समझ में आए और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे हमारे प्यारे भाई। चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी जीएसए के तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट में लगा दिया हूं। इसमें क्या लिखा है इसके बारे में पहले मैं आपको बताता चलूं। वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरी बात समझ में जब ही आएगा। वीडियो आप लोग छोड़ के चले जाते हैं और आपको पूरी बात समझ में नहीं आता और आप लोग बाद में कॉमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लोग खासतौर पर इंडिया में अभी इस टाइम है और सऊदी अरब किसी भी तरीके से अभी आ रहे हैं वाया होकर के, डायरेक्ट तो फ्लाइट है नहीं, आया होकर के बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको पता होगा सऊदी में खासतौर पर मुकीम ऐप एक चलता है, मुकीम ऐप चलता है, तो मुकीम ऐप में आपको खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं तो, किसी भी तरीके से डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में नहीं है, किसी भी तरीके से अगर आप आ रहे हैं तो मुकीम ऐप में आपको खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आपको पहचान अपना पूरा देना होगा, जो कि अगर आप सऊदी अरब में अगर पहुंचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं कराते हैं तो आप मतलब सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं किसी भी तरीके से, ये आपके लिए अच्छा होगा। जो कि मुकीम ऐप बोला गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम लागू किया है, जो कि ये कल से खासतौर करके सऊदी में लागू हो जाएगा, यानी 16 जून से। अगर आप लोग भी किसी भी तरीके से सऊदी अरब आ रहे हैं अभी इस टाइम, तो आपको मुकीम ऐप में आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर नहीं कराते तो आपको मान लो कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्चा होगा, तो आपका क्या फ़ायदा, आप घर बैठे आप अपना मुकीम ऐप में अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा लें। और जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं उन्हीं लोगों के लिए खासतौर पर होगा ये, खासतौर पर 72 घंटा आपको पहले कराना होगा। 72 घंटा पहले आप अगर करा लेते हैं तो मान लो आप अपने क्या कहते हैं फ़ोटो आप निकाल करके आप रख लीजिए, बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आराम से आप सब चीज़ कर सकते हैं, खुद से कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरी नहीं है। वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप किस तरीके से क्या करते हैं उसके बारे में मैं पूरी वीडियो बना करके डाल दिया हूँ, उसको आप आराम से जा करके चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको पूरी समझ में ही आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो खैर उम्मीद होगा आपको इसका बारे में पूरी अपडेट में जानकारी समझ में आ गया होगा। चलिए अभी बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहने का मतलब है कि भाई क्या हम लोग भी न्यू वीज़ा लगा करके क्या सऊदी अरब अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ जो कि आपको अभी पैसे कुछ ज़्यादा ही पड़ेंगे। अगर इंडिया के अंदर अभी आप लोग हैं तो आप जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीन लगा लेते हैं, तो आपको कोई भी समझिए तो ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा और आराम से आप जो कि सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो खैर उम्मीद हो गए छोटा सा वीडियो आपको सही और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे प्यारे भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यार करके ही जाइए, और वीडियो को लाइक और एक कॉमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो के।